नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा, ललन सिंह का इस्तीफा। एक ही कार और दो सवार, नीतीश कुमार और ललन सिंह साथ साथ उतरते हैं। ललन सिंह इस्तीफा देते हैं और नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव कर देते हैं। इस प्रस्ताव के साथ ही दिल्ली में बैठे तमाम बड़े बड़े सियासतदान, उनके चेहरे मुरझा जाते। ये चेहरे जिस पक्ष के मुरझाते हैं, वो पक्ष फूल वाला पक्ष है, कमल के फूल वाला, यानी कमल का फूल मुरझाने लगता है जैसे ही ये फैसला सर्वसम्मति से होता है। दरअसल पिछले पखवाड़े भर से लगातार नीतीश कुमार और ललन सिंह, इनके बीच दरार, टूट, जेडीयू में बिखराव, जेडीयू में दरार, ये खबरें प्लांट की जा रही थी। मैं गौर से सुनिएगा, कह रहा हूं प्लांट की जा रही थी। और अभी हम इस पर चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे इनसाइड स्टोरी। दरअसल आज मिड डे मुद्दा में ललन सिंह के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी हम बताएंगे। ललन सिंह का इस्तीफा हुआ क्यों है? ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच क्या कोई मतभेद है? आप जानकर हैरान रह जाएंगे, कोई मतभेद नहीं है। इस इस्तीफे के पीछे एक बड़ी प्लानिंग है नीतीश कुमार। उस प्लानिंग के बराबर भागीदार, हिस्सेदार ललन सिंह भी हैं। और उस प्लानिंग को समझते हुए ललन सिंह और नीतीश कुमार एक एक कदम बढ़ा रहे हैं। खबरें तो ये भी आने लगी हैं, सम्राट चौधरी हैं बीजेपी में आयातित अध्यक्ष है, भाजपा बिहार में उधार के सिंदूर पर श्रृंगार कर रही है। सम्राट चौधरी इनके पिताजी लालू यादव के खास हुआ करते थे, आज इन्हीं के हाथ में बिहार बीजेपी की कमान है और ये न्योता दे रहे हैं ललन सिंह को, आइए भाजपा से आकर अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो लड़ जाइए। लेकिन सम्राट चौधरी को शायद पता नहीं है कि इस्तीफा हुआ क्यों है, लड़ने के लिए ही इस्तीफा हुआ है। और अब तो ऐसी लड़ाई होगी बिहार में, जो खबरें हैं कि फिर 24 का संग्राम बाकी देश में एक तरफ होगा और बिहार में एक तरफ होगा। इस पूरी कहानी को, एक एक परत को हटाएंगे, मैंने शुरुआत में कहा था इनसाइड स्टोरी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ इस चर्चा में अभिषेक कुमार जुड़ चुके हैं। अभिषेक, तमाम अटकलें 15 दिन की, दरार, टकरार, मतभेद, मनभेद, क्या क्या हुआ, लेकिन एक ही गाड़ी में दो सवार ललन सिंह और नीतीश कुमार, इस्तीफा भी ललन सिंह ने दिया और नीतीश के नाम का प्रस्ताव भी। ये कहानी क्या है? आज तो एक खेमे में जो हैट्रिक का सपना देख रहा है खेमा, उस खेमे में बड़ी निराशा है। उस खेमे की निराशा उस खेमे के पत्रकार, जिन्हें गोदी पत्रकार कहते हैं, उनके चेहरों से पता चल रहा है, बड़ी निराशा है। यानी अगर निराशा यहां पर इतनी है तो आका कितने निराश होंगे, कितने हताश होंगे। देखिए, ललन सिंह और नीतीश कुमार के रिश्तों को जो नहीं जानते हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। ललन सिंह और नीतीश कुमार का रिश्ता तब का है जब नीतीश कुमार विधायक भी नहीं हुआ करते, 1985 से पहले का। और ललन सिंह के बारे में ये बता दे कि ललन सिंह तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना भी नहीं चाहते थे। वो तो नीतीश कुमार चाहते थे कि 2021 में जब नरेंद्र मोदी कैबिनेट का विस्तार कर रहे थे तो जदयू कोटे से ललन सिंह मंत्री बने। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर आरसीपी सिंह थे और उन्होंने दिल्ली में गलत तरीके से सूचनाएं प्रेषित की, जिसके बाद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए खुद केंद्र में मंत्री बन गए, शपथ ले ली जदयू कोटे से। उसके बाद नीतीश कुमार उनसे नाराज हुए, उनको इस्तीफा देने को कहा गया कि भाई ललन सिंह को आपने मंत्री नहीं बनने दिया, आपने बिना किसी से पार्टी में सलाह मशविरा किए खुद ही जाके केंद्र में मंत्री पद की शपथ ले ली, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़िए। उसका खामियाजा आपने देखा कि आरसीपी सिंह को राज्यसभा का टिकट तक नहीं दिया गया। तो पहली बात तो ये कि ललन सिंह की प्राथमिकताओं में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद नहीं था।
वो कार्यकाल जनता दल यूनाइटेड में 3 साल का होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, अगर आपको याद हो तो। ललन सिंह अपना कार्यकाल 3 साल का पूरा नहीं कर रहे थे। 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार अध्यक्ष थे और चुनाव में जिस प्रकार से चिराग मॉडल का खेल किया गया, उसके बाद चुनाव के तत्काल बाद उन्होंने ये कहा कि मेरे बाद तो सब कुछ रामचंद्र बाबू ही संभालेंगे। रामचंद्र बाबू यानी रामचंद्र प्रसाद सिंह, आरसीपी सिंह शॉर्ट में कहे तो। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद यही दिसंबर का महीना था, उन्होंने आरसीपी सिंह को दे दिया। तो उनके शेष कार्यकाल को ललन सिंह संभाल रहे थे। ललन सिंह का कोई फ्रेश टेन्योर नहीं था राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। आरसीपी सिंह के कार्यकाल का चूंकि उनसे बीच में इस्तीफा लिया गया था, ये एक उसका बचा हुआ कार्यकाल था। तो सवाल यह है कि 3 साल का जो कार्यकाल था उसके बाद नया अध्यक्ष चुना जाना था और फैसला इसी पर होना था कि नए अध्यक्ष के लिए एक पूर्ण कार्यकाल 3 साल का ललन सिंह को दिया जाए या ललन सिंह की जगह ये जिम्मेदारी कोई और संभाले। अब चूंकि लोकसभा चुनाव का वक्त है, बिहार में राजनीति जाति की होती है, आपको पता है बिहार में, दक्षिण के राज्यों में, महाराष्ट्र में ये जाति की राजनीति काफी ताकतवर है। दक्षिण के राज्यों में भी कर्नाटक वगैरह में या आंध्रा में चले जाए, लिंगायत, वो कलिंगा, रेड्डी, कामा, ये राजनीति बहुत तेज होती है, बिहार में भी होती है। तो इस जाति की राजनीति के फॉर्मूले में नीतीश कुमार और ललन सिंह दोनों को पता था कि जो ललन सिंह के समुदाय का वोट है या अपर कास्ट का कोई भी समुदाय है जनरल कैटेगरी का, वो कैंडिडेट के माध्यम से वोट आना है, वो वोट बीजेपी का है। आज की तारीख में बहुत ईमानदारी से स्वीकार किया जाए तो वो वोट मोटे तौर पर बीजेपी का है, लेकिन बीजेपी का कोई लॉयल वोट नहीं है। उसकी बिरादरी को जिस पार्टी से मिलेगा, अपर कास्ट की बिरादरियों की बात यदि हम करें, जिस पार्टी से टिकट मिलेगा वो उस सीट पर अपने कैंडिडेट के साथ हो जाएगी, पार्टी कोई भी हो, भाजपा हो, एनडीए हो या महागठबंधन हो। लेकिन एक फ्लोटिंग वोटर जिसे अति पिछड़ा वोटर कहते हैं, उसमें नरेंद्र मोदी की भी दावेदारी है, स्वाभाविक है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। और नीतीश कुमार पहले उसके एक छत्र नेता हुआ करते थे। अति पिछड़ा वोट बैंक और महादलित वोट बैंक के सबसे बड़े चेहरे नीतीश कुमार हुआ करते थे, आज भी हैं। लेकिन इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि नीतीश कुमार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी हिंदुत्व के सहारे उसमें गहरी पैठ बनाई। तो सवाल है, उस तबके को एक सोशल मैसेज भी देना था कि अभी नीतीश कुमार ताकतवर है। दूसरा, एक गोदी मीडिया, उनके कुछ बयान इस तरह के हो गए नीतीश कुमार के, जिसको लेकर तमाम तरह की खबरें चल रही कि उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है। अब यही गोदी मीडिया आप देखिएगा, आज शाम से आप चैनलों को देख लीजिए या यूट्यूब चैनलों को, जो कल तक नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठा रहा था, यही गोदी मीडिया कहेगा कि नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया। अब जिसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा वो मास्टर स्ट्रोक कैसे खेलेगा राजनीति? अभिषेक, इतना ही नहीं चलेगा ये कि नीतीश कुमार बहुत सातिर हैं, इन्होंने जॉर्ज को निपटा दिया, इन्होंने शरद यादव को निपटा दिया, इन्होंने आरसीपी सिंह को निपटा दिया, अब इन्होंने ललन सिंह को निपटा दिया। इतना सातिर अगर है नीतीश कुमार तो फिर मानसिक स्वास्थ्य जो आपने कहा, फिर मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल कैसे पैदा कर रहे थे आप, खड़ा कर रहे थे? यही बात मैं कह रहा हूँ कि दो विरोधाभासी तथ्य एक साथ नहीं चल सकते। तो इन गोदी मीडिया के नैरेटिव को ही थोड़े देर के लिए मान ले तो सीधा मतलब है कि नीतीश, पहले जो नैरेटिव चलाया जा रहा था कि नीतीश कुमार का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो झूठा साबित हुआ, क्योंकि तो अब इन्हीं के शब्दों में वो मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं। अब आइए ललन सिंह वाले मुद्दे पर। ललन सिंह कोई जेपी नड्डा नहीं है, इस बात का ध्यान रखना होगा। ललन सिंह कोई मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं है जो बहुत बड़ी पार्टी के अध्यक्ष है और सुरक्षित सीट से उन्हें चुनाव लड़ना है, सुरक्षित सीट में कांग्रेस पार्टी दक्षिण भारत में और भारतीय जनता पार्टी हिंदी भाषी भारत में, किसी भी राज्य में अपने नैरेटिव के बूते भारी पड़ती है, एक सच्चाई है। जेपी नड्डा को चुनाव नहीं लड़ना है, राज्यसभा में ही रहना है, वो अध्यक्ष बने रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे को सुरक्षित सीट से ही चुनाव लड़ना है, वो सामान्य सीटों से चुनाव नहीं लड़ना है, दक्षिण भारत से ही लड़ना है, उत्तर भारत से भी लड़ना होगा तो वो अध्यक्ष है, उसका प्रतीकात्मक महत्व है, पार्टी में सुप्रीम है, भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है। ललन सिंह के ऊपर ये दोनों परिस्थितियां लागू नहीं होती है। ललन सिंह को जहां से चुनाव लड़ना है मुंगेर लोकसभा सीट से, वो विशुद्ध जातीय समीकरण के बूते जीता जाने वाली वाला चुनाव होगा, वो सीट ही वैसी है, उसका कंपोजिशन ही वैसा है, वो कोई समस्तीपुर या सासाराम या गोपालगंज की तरह या बांसगांव जो उत्तर प्रदेश में है
या लालगंज की सीट है सुरक्षित सीट नहीं है कि सभी चुनावी हिंदू हो जाएंगे। सामान्य सीट से चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट को अपने क्षेत्र में चुनाव के वक्त कितना समय देना पड़ता है, ध्यान रखिए। आज की तारीख में मैं आपको जनता दल यूनाइटेड और राजद की बात बता दूं, जो अंदर खाने लोगों से बात होती है, जनरल लोकसभा सीटों पर पूरे महागठबंधन की तैयारी है कि जब तक एनडीए अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करेगा, यानी बीजेपी अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करेगी, वो अपने कैंडिडेट का मोहरा नहीं खोल सकते। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि अब ललन सिंह के बारे में तो सबको पता है कि ललन सिंह ही कैंडिडेट होंगे वहां से, वो मोहरा तो खुला हुआ है। तो जो मोहरा खुला हुआ है वहां रणनीति बनाने के लिए बीजेपी के पास समय है, तो स्वाभाविक है ललन सिंह को अपने क्षेत्र में ज्यादा समय देना है। बाकी सीटों के मामले में देखिए, जो जेडीयू के जो बाकी जो 16 या 17 सीटें लड़नी है जेडीयू को, ललन सिंह के अलावा जो और 16 सीटें, हो सकता है 17 भी हो जाए, जो 17 या 18 सीटें जेडीयू को लड़नी है, 17 का तो फॉर्मूला तय हो चुका है बताया जा रहा है, उनमें 16 सीटों के कैंडिडेट नीतीश कुमार ने दबा के रखे। जानकारी ये भी है हर सीट पर अलग अलग समुदाय के 2-3 कैंडिडेट्स का पैनल बना के रखा गया कि जैसे ही बीजेपी का मोहरा आएगा उसके खिलाफ कास्ट इक्वेशन को देखते हुए इनका मोहरा तय हो जाए। ये एडवांटेज ललन सिंह की सीट पर नहीं है, लोगों को समझना होगा, क्योंकि ललन सिंह के साथ दोहरी मुसीबत है। ललन सिंह सीट छोड़ करके जाएंगे तो कहा जाएगा कि ललन सिंह हार के डर से भाग गए, तो वो भी नहीं कर सकते, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं तो पार्टी के बड़े नेता है, ध्यान रखिए। मोदी बनारस छोड़ के जाएंगे तो कहा जाएगा कि यूपी से भाग गए, डर गए। अमित शाह गांधीनगर छोड़ेंगे तो कहा जाएगा भाग गए। राहुल गांधी अगर अमेठी हार गए, इस बार नहीं लड़ेंगे तो परसेप्शन खराब होगा। वायनाड अमेठी आप देखिएगा, दोनों लड़ेंगे। तो ये परिस्थितियां जेडीयू में ललन सिंह के साथ है। ललन सिंह सिटिंग एमपी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्हें अपने क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वो जेडीयू के इकलौते लोकसभा कैंडिडेट हैं जो एक्सपोज हैं, जिनकी सीट पर कोई संशय नहीं है, और उनकी सीट के लिए बीजेपी तमाम तैयारी कर रही है कि किसको लड़ाएंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। मैं अब सीधे सीधे हम 10 मिनट की चर्चा में हम गुजर चुके हैं आगे। मैं सीधा सीधा इन साइड स्टोरी क्या है इस स्थिति की? जी, इन साइड स्टोरी इसमें एक साथ तीन है। पहली चीज ये कि 4 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव है, और लोकसभा चुनाव में उस तबके को, जिस तबके का कोई सामाजिक नेता नहीं, अति पिछड़ा और महादलित, उसको एक संदेश देना है। नेता नहीं है लेकिन सबसे बड़े चेहरे, सबसे स्वीकार्य चेहरे नीतीश कुमार है, ध्यान रखिएगा। तो वहां एक सामाजिक संदेश देना है। दूसरा, ललन सिंह को अपने क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना है। तीसरा, नीतीश कुमार चूंकि इंडिया गठबंधन में कोई संयोजक नहीं चुना गया, आपको पता है, नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं ये भी मैसेज देना है कि पार्टी के ऊपर उनके पूर्ण नियंत्रण में किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। पार्टी के ऊपर उनका पूर्ण नियंत्रण है, ये बिल्कुल इसी तरह से है जो आपको मैं बता दूं, 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद वेंकैया नायडू अध्यक्ष थे, अचानक एक दिन आपने सुना कि वेंकैया नायडू ने इस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और लालकृष्ण आडवाणी ने संभाल लिया। अब इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वेंकैया नायडू आडवाणी खेमे से दूर हो गए, वो तो जब तक सक्रिय रहे आडवाणी के आदमी के तौर पर जाने जाते रहे। मैं तो यहाँ पर अभिषेक को रोक करके इनसाइड स्टोरी, हमने शुरू में कहा था इनसाइड स्टोरी बताएंगे, उस इनसाइड स्टोरी जिस तरफ अभिषेक कुमार ने इशारा किया, मैं आपको साफ कर दूं कि न्यूज लॉन्चर टीम, इस टीम के वरिष्ठ लोग इस इस्तीफे के पीछे की खबर और पड़ताल कल से लगातार कर रहे थे। देर रात तक ये खबर आ चुकी थी कि जो चुनाव लड़ेगा वो ऑफिस बियरर नहीं होगा। आप ध्यान से सुनिए, यही इनसाइड स्टोरी है और यही एक सत्य है। इसके अलावा आपको दिखाया जाएगा, जो बताया जाएगा, जो गोदी मीडिया पर दिन भर ब्रेकिंग्स आएंगी, वो सब सिर्फ एक खास पार्टी, एक खास नेता के लिए नैरेटिव सेट करने की कोशिश होगी, झूठी खबर होगी, प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश होगी। ऑफिस बियरर जो होगा वो चुनाव नहीं लड़ेगा, जो चुनाव के मैदान में जाने वाला वो ऑफिस बियरर नहीं होगा, और ये काम करने के लिए सबसे मुफीद वक्त यही है
क्योंकि अब चुनाव में जाने का वक्त आ गया है, इसलिए जिनको भी चुनाव मैदान में जाना था, अब इसी वक्त में आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोग सब लग करके ही निकाल के लाए हैं, सीधा सफर पहुंचा दो दस। जिनको चुनाव मैदान में जाना था उनको बैठा करके बातचीत कर ली गई थी कि आप अपने अपने क्षेत्र में लगी ऑफिस बियरल नहीं रहिए। अब ऑफिस बियरल चुनाव में मैदान में नहीं जाएगा, या चुनाव मैदान में जो जाएगा वो ऑफिस बियरल क्यों नहीं रहेगा, इस पर भी नीतीश कुमार ने बड़ी गहरी सोच के बाद इस निर्णय पे पहुंचे नीतीश। दरअसल इंडिया अलायंस में जो भी हर दल का ऑफिस बियरल होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, महासचिव होगा, जो भी ऑफिस बियरल होगा, उसकी भूमिका सिर्फ अपनी पार्टी के कैंपेन तक सीमित नहीं होगी। ऑफिस बियरल की भूमिका इंडिया अलायंस की, वो सिर्फ उसकी जवाबदेही जेडीयू के लिए नहीं रह गई कि जेडीयू का ऑफिस बियरल है तो जेडीयू के जवाबदेही सिर्फ है, उसकी जवाबदेही इंडिया अलायंस के लिए भी है। इंडिया अलायंस में उसकी जरूरत जहां पड़ेगी, जहां 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 नहीं जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां जाया जाएगा, ले जाया जाएगा, जहां पर जातीय समीकरण, जहां पर क्षेत्रीय समीकरण, जहां जहां जो संतुलन साधना होगा वो जरूरत पड़ेगी। और जो कैंडिडेट, जो ऑफिस बियरर कैंडिडेट होगा, मान लिया ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मुंगेर से चुनाव मैदान में है, अब मुंगेर से चुनाव में खुद हैं और उनको भूमिहार मतों के लिए, उस जातिगत संतुलन के लिए कहा जाए कि चलो दो दिन का कैंप कर लो बलिया में, बलिया में भूमिहार मतदाता प्रभावशाली है, मऊ में प्रभावशाली है, उत्तर प्रदेश के की मैं बात करूं तो जाओ भूमिहार मतदाताओं के बीच में जहां पर उनका बेल्ट है उसमें जाओ थोड़ा कैंपेन करके आओ, वो मुंगेर छोड़ करके कहां जाएंगे। लेकिन जो ऑफिस बियरर होगा वो उस हिसाब से उसकी शेड्यूलिंग होगी और पूरे इंडिया अलायंस की जो कमेटी होगी वो शेड्यूल करेगी। नीतीश कुमार बिहार के बाहर नीतीश कुमार की बहुत जरूरत पड़ेगी इस बार के चुनाव में। उत्तर प्रदेश में तो नीतीश कुमार को, मैं मुझे तो कई बार ये लगता हूं, कहता हूं नीतीश कुमार अगर उत्तर प्रदेश में रणनीतिक रूप से नीतीश कुमार का इस्तेमाल हो गया तो हो सकता है सबसे बड़ा डैमेज जिसकी कल्पना नहीं लोग कर रहे हैं, सबसे बड़ा डैमेज उत्तर प्रदेश करे। असल इनसाइड स्टोरी ये थी और इसीलिए नीतीश कुमार ने पार्टी की कमान अपने हाथ में ली, ललन सिंह को फ्री किया, जिनके बीच में इतने भ्रम फैलाए जा रहे थे। कल ललन सिंह ने धज्जियां उड़ाई कि मेरे इस्तीफे का ड्राफ्ट, मीडिया की धज्जियां उड़ाई उसी पूरी मीडिया की, इस्तीफे के ड्राफ्ट भाजपा के दफ्तर से आप लोग लेके आना और फिर मैं पढ़ लूंगा एक बार। आज एक ही गाड़ी से ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपस में एकदम पार्टी को लेकर के तनी हो, एक दूसरे का कुर्ता फाड़ने वाले हो, ये हास्यास्पद नहीं लगता आप लोगों को? आप गौर से सुनो, अपने तर्कों की कसौटी पर, मैं दर्शकों से हमेशा कहता हूँ हमारी बात ही मत मानिए, अपने तर्कों की कसौटी पर कस, हम बार बार कहते हैं तर्कशील बनिए। क्या एक दूसरे के कुर्ता फाड़ने वाले थे और एक ही गाड़ी में आए और कहे जी इस्तीफा हम दे रहे हैं? ऐसा भी नहीं है कि गन पॉइंट पर लाए जाए ललन सिंह, ललन सिंह कोई बच्चे हैं कि गन पॉइंट पर ले आएंगे? ललन और नीतीश का रिश्ता कितने बार अभिषेक ने पहले भी बताया, बैकग्राउंड में बताया कि रिश्तों की शुरुआत सुधा श्रीवास्तव से लेकर के और कहां कहां की बातें पुरानी खुल चुकी हैं। जेपी की भांजी थी, मंत्री थी, विधायकी के टिकट के लिए पीए हुआ करते थे ललन सिंह सुधा श्रीवास्तव के, नीतीश कुमार को टिकट चाहिए था, तमाम किस्से कहानियां इसी न्यूज लॉन्चर के प्लेटफॉर्म पर अभिषेक के जरिए आप लोगों तक पहुंची। तो दरअसल ये पूरी कहानी इसी में सिमटी हुई है। अब मैं चलूंगा फिर, मैं आप लोग को पूरा ब्रीफ एक बार कर देना चाहता था इनसाइड स्टोरी, क्योंकि हम शुरू में कहे थे तो ये नहीं कि आपको बाहर दिखे थंबनेल में और टाइटल में कुछ और अंदर लगे अरे बताया तो कुछ ही नहीं, नहीं बताएंगे भी हम लोग। अब फिर मैं चलता हूँ अभिषेक के पास। अभिषेक, ये जो सारा ये नीतीश कुमार का प्लान है, इस प्लान का सबसे ज्यादा जो सदमा है वो सदमा कहाँ लगने वाला? और अब जो ये देखिए नीतीश कुमार, मैं कई बार कह रहा हूं कि इस पूरे के पूरे इंडिया अलायंस के मार्गदर्शक बन सकते हैं। जो पार्टियां, बाकी पार्टियां जो इस लेवल पर तैयारी नहीं की, भाई नीतीश ने आपसे सवाल लंबा होगा तो इसको गौर से करिएगा, फ्रेम को समझ करके और फिर दस को समझाइएगा। कोई पार्टी अपना राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय कार्यकारिणी नहीं बुलाई, नीतीश ने बुलाया हुआ कि अब बहुत बड़ा ऐलान होगा 29 को मोदी के साथ चले जाएंगे, मोदी के साथ जा रहे हैं। जबकि इंडिया अलायंस के किसी दल ने भी ये तैयारी नहीं की थी कि कौन जाएगा चुनाव में और कौन ऑफिस बियरर रहेगा। नीतीश उस लेवल पर सोच रहे थे
यानी वो खाका बना रहे थे कि फील्ड में जिसको जाना है उसको फ्री किया जाए, ऑफिस बेरर से ऑफिस बेरर वो लोग बने जिनका अलग अलग प्रदेशों में इस्तेमाल हो। तो यहाँ से वो इंडिया अलायंस को एक कहिए कि जैसे प्रस्तावना होता है ना, तो प्रस्तावना उन्होंने दे दिया किताब, प्रस्तावना है। और इसका सदमा, इस प्रस्तावना को पढ़ करके किसी को सदमा ही बहुत लगा होगा, इसे पूरे पे जरा टॉर्च जलाइए, रोशनी डालिए। देखिए इस प्रस्तावना पर यदि हम जाएं तो प्रस्तावना पर जाने के पहले एक फैक्ट हमें ध्यान रखना होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार और बिहार के बाहर जहां भी जेडीयू के कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे उनका जो सिंबल होता है फॉर्म बी, जिसको आम बोलचाल की भाषा में लोग टिकट कहते हैं, उस पर सिग्नेचर किसका होता है, लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा चुनाव आयोग को सूचित करके अधिकृत किया गया वो पार्टी का व्यक्ति साइन। अब ललन सिंह जब क्षेत्र में होंगे मुंगेर में, सारे लोग क्या मुंगेर जाएंगे उनसे सिग्नेचर कराने सिंबल पे? ये एक अपने आप में मुश्किल सवाल है। नीतीश कुमार तो कहीं भी रहेंगे, जैसे नरेंद्र मोदी 2014 में कैंपेन कर रहे थे पूरे देश से, रोज शाम में वो अहमदाबाद लौटते थे गांधीनगर, वो पूर्वोत्तर में सभा कर रहे हैं, बिहार में कर रहे हैं, जम्मू में कर रहे हैं, शाम में उनकी वही अडानी वाले प्लेन से घूमते थे और अहमदाबाद लौटते थे। लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार चाहे फूलपुर अम्बेडकर नगर में रैली करें या वाल्मीकि नगर में करें या झारखंड के गोड्डा में करें, वो लौटेंगे पटना, इस बात की तो गारंटी है। क्योंकि नीतीश कुमार यदि लोकसभा चुनाव लड़ेंगे भी, जिसकी संभावना कम है कि नीतीश कुमार लड़ेंगे भी, तो पड़ोस की नालंदा से लड़ेंगे, और नालंदा से नीतीश कुमार को चुनाव लड़ने पर नीतीश कुमार को प्रचार करने जाने की जरूरत, चूंकि नालंदा में इस बात को मानना होगा कि जितना काम सैफई और मैनपुरी में मुलायम सिंह ने नहीं किया होगा उससे कहीं ज्यादा काम, या मऊ में कल्पनाथ राय ने नहीं किया होगा उससे कहीं ज्यादा काम नीतीश कुमार ने नालंदा के लिए किया, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। खुद नरेंद्र मोदी ने बनारस के लिए उतना नहीं किया हो, ये बात मैं दावे के साथ कहता हूं। आज ग्लास ब्रिज से लेकर के राजगीर में क्या नहीं है, तो नालंदा नीतीश कुमार को कैंपेन में बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये बात सच्चाई है। लेकिन ललन सिंह की सीट टफ सीट है, उन्हें मेहनत करने की जरूरत है। और रही बात इस्तीफे की, इनसे इनसाइड स्टोरी और इसकी भूमिका में जो चीजें आप जोड़ने की कह रहे हैं, तो एक चीज आप ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली चीज ये है कि मौजूदा दौर में बिहार की सियासत जाति जनगणना के बाद किस डायरेक्शन, इंडिया गठबंधन में जो कॉम्प्लेक्सिटी है, गठबंधन इतना बड़ा है तो कॉम्प्लेक्सिटी स्वाभाविक है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती वही एक ही पार्टी में कन्वर्ट हो जाते, क्या जरूरत थी। वहां भी चाहे नीतीश संयोजक बने ना बने, बहैसियत अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब वो बैठेंगे तो उन्हें बहुत सारी चीजों पर किसी दूसरे व्यक्ति से कोऑर्डिनेट करने, मसलन ललन सिंह ही अध्यक्ष होते तो बार बार बैठक के बीच में एक फोन ललन जी को लगाओ, इस मुद्दे पर क्या हुआ। अब वहां वो स्थिति नहीं है, वहां ड्यूअल पावर सेंटर जैसी चीज लोकसभा चुनाव के वक्त नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं। एक चीज मैं बहुत ईमानदारी के साथ आपको बता दूं, जेपी नड्डा की तरह रबर स्टाम्प अध्यक्ष ललन सिंह नहीं, ललन सिंह पार्टी के अध्यक्ष थे और उनकी हैसियत थी, इस बात को स्वीकार करना होगा। क्योंकि ललन सिंह जब अध्यक्ष थे तो नीतीश कुमार की भूमिका पार्टी में सिर्फ एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के तौर पर थी, क्योंकि वो सीनियर नेता थे, सम्मान था, वो अलग बात है, लेकिन इस भूमिका से आगे नीतीश कुमार ने खुद को ले जाके नहीं रखा। ये बिल्कुल वैसा ही रिश्ता था 2009 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी मनमोहन सिंह के भी, सोनिया गांधी पार्टी अध्यक्ष थी लेकिन मैनिफेस्टो पर फोटो 2009 में गया, एकमात्र फोटो, किसी दूसरे की फोटो नहीं थी, वो मनमोहन सिंह की फोटो थी कांग्रेस के मैनिफेस्टो। वो स्थिति ललन सिंह और नीतीश कुमार के भी विश्वास का माहौल, तो बिहार की और देश की परिस्थितियों को ललन सिंह भी समझते हैं, नीतीश कुमार भी समझते हैं। दूसरी चीज ये है कि बिहार में विपक्ष को हल्ला उड़ाने का मौका कैसे मिलता है। अब देखिए बिहार, चूंकि नीतीश कुमार विधान पार्षद है, इस बात का ध्यान रखिएगा, बिहार विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड, सदन के नेता कौन है, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी है लेकिन सदन के नेता वो नहीं है, सदन के नेता यानी जनता दल यूनाइटेड विधायक दल के नेता फ्लोर लीडर विजय कुमार चौधरी है, वो भी भूमिहार, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी भूमिहार। इसके बाद यही अगर ये दोनों पद रहता चुनाव में तो ये लोग अभी से नारा लगाना शुरू कर चुके थे बिहार में कि कुर्मी को ताज और भूमिहार को राज, ताकि अति पिछड़ों को डराया जा सके, उनको बदलाया जा सके। ये क्योंकि कान फूकने के मामले में आपको एक चीज मानना होगा, कान फूकने के मामले में र्यूमर मॉन्गरिंग में दक्षिण पंथी विचारधारा के लोगों से ज्यादा तेज तर्रार इस देश में हो नहीं सकता। उनको तो सैल्यूट, उनको तो
तो उसको प्रणाम, अगर तोपों की सलामी देनी हो, अफवाह फैला दे, आज नहीं दक्षिण पंथियों, इसको तुम आज नहीं, आजादी के पहले आप चले जाओ। इस मामले में जब से दक्षिण पंथ को जाना गया, पहचाना गया, तब से एक ही हुनर में वो पारंगत है, उसमें वो बिल्कुल मास्टर्स की डिग्री नहीं, वो पीएचडी है, रिजल्ट कर चुके हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब दो दो पदों पर महत्वपूर्ण, विधानसभा में फ्लोर लीडर, सदन के नेता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन दोनों पदों पर भूमिहार समाज के लोग होंगे, तो यही लोग रूमर मॉन्गरिंग करते हैं। अब चुनाव का समय है, ध्यान रखिए, बीजेपी ने ब्राह्मणों को भजन लाल शर्मा के पहले कुछ नहीं दिया था, लेकिन एक प्रतीकात्मक अध्यक्ष नड्डा जी को बनाकर रखा। तो सवाल यह है कि सोशल इंजीनियरिंग करने का हक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही है क्या, दूसरी पार्टियों को नहीं है क्या? सभी हो सकता है कि नीतीश कुमार कहीं कार्यकारी अध्यक्ष की भी नियुक्ति करें, क्या यह भी हो सकता है कि कार्यकारी अध्यक्ष यदि नीतीश कुमार बनाए तो कर्पूरी ठाकुर के बेटे को बनाए? सब अपने हिसाब से सोशल इंजीनियरिंग करेंगे। उस पर अभी अभी तीन चार घंटे बाद ही हम लोग फिर आएंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। आखिरी सवाल के साथ अभी वाला शो खत्म करते हैं, क्योंकि तीन चार घंटे बाद इस पर हमको फिर आना है फाइनल चर्चा करने के लिए। कोशिश करेंगे उसमें हमारे साथ जो है अशोक वानखेड़े जी भी हों। एक जानकारी ये भी मिली है कि जो प्रस्ताव ड्राफ्ट हुआ है वो प्रस्ताव बड़ा कड़क है, मिर्ची है बिल्कुल, जो मोदी जी के साथ चलेंगे, नीतीश कुमार कदम ताल करेंगे, हाथ मिला लेंगे, ये जो चर्चाएं फैलाई जा रही थी, शायद वो लोग अगर उस राजनीतिक प्रस्ताव को पढ़ लेंगे तो दो तीन दिन तक दोबारा अफवाह फैलाने में भी उनको जो है दिक्कत होगी। ये जानकारी मिली है कि बड़ा तगड़ा ड्राफ्ट हुआ है राजनीतिक प्रस्ताव, और नीतीश कुमार ने कुछ शब्द उसमें नीतीश कुमार ने खुद डलवाए हैं। कल ही मैंने अपने व्यूअर्स को ये बात बता दी थी कि एक राजनीतिक प्रस्ताव आने वाला है जिसमें पिछड़ा और दलित विरोधी भारतीय जनता पार्टी को बताया जाएगा, जिसमें मनुवाद का पोषक भारतीय जनता पार्टी को बताया जाएगा। ये तमाम चीजें कल ही मैंने कहा था कि आज के बारे में कि राजनीतिक प्रस्ताव आने वाला है, इसमें सारी चीजें हों। और जाति जनगणना, अमित शाह बिहार जाते हैं कहते हैं कि जब जाति जनगणना का फैसला हुआ तो भाजपा सरकार में भागीदार थी, यानी वो क्रेडिट लेते हैं। लेकिन क्रेडिट लेने के मामले में आप कहें तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? आप जनगणना, सामान्य जनगणना तो करा नहीं रहे, 2021 से लंबित है, और जाति जनगणना आप पूरे देश में क्यों नहीं करा देते? नीतीश कुमार के मामले में आप क्रेडिट में हिस्सेदारी लेने जाते हैं, बिहार के मामले में आरक्षण बढ़ाने का मामला है, महाराष्ट्र विधानसभा में मराठों के मामले में कुछ और बात बोलते हैं, और बिहार में आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव आता है तो चुपचाप पतली गली से निकल जाते हैं समर्थन करके, कि ज्यादा कुछ इधर उधर करेंगे तो आरक्षण विरोधी साबित हो जाएंगे। तो दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी दोनों राजनीति करना चाहती है, और दोनों देखिए दो नावों पर सवारी बहुत खतरनाक होती है। राजनीति में दो नावों की सवारी की कीमत पिछले 35-40 साल से उत्तर भारत में कांग्रेस पार्टी चुका रही है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वो दो नावों की सवारी की कीमत चुका रही है, सौ हिंदुत्व और धर्मनिरपेक्षता उसकी क्लियर नहीं पता चलेंगे। और बीजेपी यही, हमने चर्चा में, पिछली चर्चा में कहा भी था, अखिलेश यादव को भी एक सलाह दी थी, हम लोग हालांकि सलाह देने वाले कौन है, पत्रकार है, हमसे ज्यादा उनकी राजनीतिक समझ है, लेकिन फिर भी सलाह दिया था कि ये कंफ्यूजन में भ्रम में मत रहिए, ये राजनीतिक प्रस्ताव जब सामने आएगा तो बकायदे हूबहू हम पढ़ के सुनाएंगे, और अगर उस राजनीतिक प्रस्ताव में दलितों के को लेकर के, पिछड़ों को लेकर के भाजपा के दोहरे रवैये को डाला गया होगा, हिंदुत्व के साथ धोखा या छद्म हिंदुत्व की चर्चा की गई होगी और नहीं भी की गई होगी, तो आप लोग एक मोदी जी के बड़े खास बहुत प्रिय मुख्यमंत्री हैं, हिमंता बिस्वा सरमा इस समय फायर ब्रांड है, मोदी के सबसे अजीज हैं, मांग लिए हमारे वीडियो के बाद, वो माफी तीन दिन बाद, ये माफी नहीं है, साफी है, साफी पाने का आता था खून साफ करने का, ये माफी नहीं इसको कहते हम, साफी कहते हैं, ये खून साफ करने के लिए इन्होंने कंकर डाला था टटोलने के लिए, आप बताइए इसमें माफी क्या कह रहे हो आप, कि इस देश के कहते हो आप कि हम संविधान हम अंबेडकर की बात करते हैं, हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, हम दलितों के हित ऐसी है, आप कह रहे हो कि दलित शूद्र, शूद्र सिर्फ सेवा करने के लिए पैदा हुआ है, यानी आप मनुस्मृति, आपके मन की बात गलती से निकल आई चुनाव के पहले, भागवत साहब ने कहा था ना बिहार में ही जा करके,
और पता चल गया था, नतीजे बता दिए थे भागवत साहब को, भागवत साहब की बात को लालू यादव ने बिहार के घर घर पहुंचा दिया था। आज जरूरत है विपक्ष को, ये विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है। हिमंता बिश्व शर्मा कोई छोटे नेता नहीं है, हिमंता बिश्व शर्मा जो बोल रहे हैं मैं ये मानता हूँ आज की तारीख में, मैं तो व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि वो मोदी बोल रहे हैं और भागवत बोल रहे हैं, मोदी बोल रहे हैं, हिमंता बिश्व शर्मा इतने अजीज हैं। हिमंता अगर बोल रहे हैं कि शूद्र दलित विरोधी है या नहीं, वो जिग्नेश मेवाणी की गिरफ्तारी ने स्पष्ट कर दिया। नहीं वो तो वो छोटी बात है कि जिग्नेश की गिरफ्तारी हुई दलित थे, लेकिन अब तो सभी शूद्रों के लिए कह रहे हैं कि मतलब शूद्र शूद्र सेवा ही करेगा, और शूद्र अगर सेवा ही करेगा ये मन के किसी कोने में छिपा हुआ है, तो आप यकीन करिए जिस दिन पूर्ण सत्ता होगी पूरी ताकत होगी उस दिन वाकई शूद्र सिर्फ सेवा करने लायक रह जाएगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान पता नहीं रहेगा या ना रहे, शायद मनुस्मृति से चलना पड़े, और मनुस्मृति से चलना पड़ेगा तो फिर शूद्र सेवा करेगा। खैर हम बात कर रहे थे नीतीश कुमार के, उनके राजनीतिक प्रस्ताव की वजह से हमने हिमंता की चर्चा कर दी। ये पूरा जब फाइनल तस्वीर सामने आएगी आज, तो उसके उस समय मैं जो है हमारे साथी के साथ, और उस समय कोशिश करेंगे हमारे साथ अशोक वानखेड़े जी भी रहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे आप तक फाइनल अपडेट पहुंचाने के लिए। फिलहाल इस चर्चा में हमें इजाजत दीजिए, आप देखते रहिए न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।